क्या हालचाल। आज बात करने जा रहे हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो भाई ग्रेविटेशन का आज वीडियो नंबर 12 है और शायद आज ग्रेविटेशन का ये लास्ट वीडियो भी होगा। तो केपलर्स ने तीन लॉज दिए प्लैनेट के मोशंस के बारे में, जो कि उस टाइम के व्यूज के काफी अगेंस्ट था। तब लोग ऐसा मान रहे थे कि प्लैनेट्स सन के अगल बगल सर्किल में घूमता है, और केपलर ने बोला नहीं, प्लैनेट तो इलिप्स के फॉर्म में घूमता है, सर्किल नहीं, गोल गोल नहीं घूमता, इलिप्स के फॉर्म में, पटैटो है ना, चपटे हुए फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, इट्स नॉट सर्किल, इट्स इलिप्स। और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए केपलर ने, कुछ कैलकुलेशंस दी, और उन कैलकुलेशंस में उन्होंने बताया कि प्लैनेट की स्पीड हर समय सेम नहीं होती, प्लैनेट अपने रास्ते में अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लैनेट सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता, कभी कभी प्लैनेट सन के बहुत क्लोज पहुंचता है और कभी कभी प्लैनेट सन के बहुत दूर जाता है, कभी कभी बहुत क्लोज और कभी कभी बहुत दूर जाता है, हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं चलता। एक तो प्लैनेट की स्पीड भी बदलती रहती है और प्लैनेट का सन से डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। जैसे कि सर्कुलर मोशन होता तो सन बीच में और प्लैनेट हमेशा उसके अगल बगल, तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होता, पर ऐसा नहीं है। ये सारी बातें केपलर ने अपने तीन लॉज में समझाई। ये भी बताया कि अगर एक प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट है, तीसरा प्लैनेट है, कोई यहां से आर वन डिस्टेंस पे है, कोई सन से आर टू डिस्टेंस पे है, तो उन दोनों के टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा, कि इसने एक चक्कर मान लो 300 दिन में काटा तो ये दूसरा वाला प्लैनेट एक चक्कर कितने दिन में काटेगा। इस तरह की तीन चार बातें उन्होंने की। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे लॉज केपलर ने टाइको ब्राहे से चुराए थे। ठीक है, अब इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, बट हिस्ट्री इस बारे में कहती है कि टाइको ब्राहे क्या था, एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च पे लगा दी थी प्लैनेट्स के मोशन स्टडी करने पे। ठीक है, प्लैनेट्स के, स्टार के कॉन्सिलेशन, इन सब चीजों की स्टडी में। और कहा जाता है केपलर ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे और टाइको ब्राहे डाइड इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर केपलर को पास ऑन हो गए। तो कई जगह लिखा भी रहता है केपलर्स एंड ब्राहे लॉ। ठीक है, टाइको ब्राहे लॉ, उनको क्रेडिट भी दिया गया है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी पेन निकाल लें, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है आज का, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं, प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन है, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम लॉ केपलर का, फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सभी प्लैनेट सन के अगल बगल क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे, सर्कुलर में नहीं। एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स, सन इलिप्स की एक फोकस पे है। तो अब समय आ गया है कि आप इलिप्स को समझो कि इलिप्स क्या चीज होती है। बच्चों, ऐसे शेप को हम मैथमेटिक्स में इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, सर्किल जैसा दिख रहा है पर चपटा हुआ सर्किल है, थोड़ा सा दबाया हुआ सर्किल है, इसको हम इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स। ये इलिप्स का सेंटर, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं।
ये इलिप्स का सेंटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हम बोलते हैं ए, ये डिस्टेंस भी ए, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। पढ़ते जाओ धीमे धीमे आता जाएगा, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। और इतने को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, ये है मेजर एक्सिस, ये है आधे को बोला सेमी मेजर एक्सिस, हाफ को। इसी तरह से बच्चों ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस बी, ये इतना बी इतना बी, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, पूरे को यानी 2b को हम बोलते हैं, ये बी माइनर एक्सिस। और बच्चों एक छोटे से को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, इतने को बोला सेमी माइनर एक्सिस और उस पूरे को माइनर एक्सिस और ये पूरा मेजर एक्सिस। ये हमारा सेंटर है, क्या है, सेंटर है। बच्चों इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है, दो फोकस होंगे। अच्छा फोकस क्या चीज होती है, जरा इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं मैथमेटिक्स। इलिप्स की इक्वेशन बच्चों होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन। नोट करेंगे एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये है इक्वेशन फॉर इलिप्स। ना ही ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही ये सर्किल है, ना ही ये पैराबोला, ये है इलिप्स, ठीक है। अब इस ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो मैं तुमको यहां पे एक चीज बताऊं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होती है सर्किल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन ये, सर्किल की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। थोड़ा सर्कल से अलग है ये, यहां पे b और a के बीच में रिलेशन है b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर। ई को बच्चों हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये बताता है कि इलिप्स कितना चिपटा हुआ है, कि इलिप्स सर्किल से कितना डेविएट हो गया है। देखो इलिप्स है क्या, एक सर्किल है जिसको दबा दिया गया है, ये सर्किल था जिसको दबाया, ई बताता है कि कितना ज्यादा दबा दिया है। ई की जो रेंज है, ई वन से छोटा होगा जीरो से बड़ा होगा, वन से छोटा जीरो से बड़ा, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। अगर ई की वैल्यू आप जीरो लो, अगर आप ई की वैल्यू जीरो ले लो तो बच्चों ये बन जाएगा सर्किल, और जितना ई टेंड करेगा किधर, वन की तरफ, जितना ई जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ई ट्रेवल करेगा जीरो से किधर, वन की तरफ, उतना ये कैसा बन जाएगा, इलिप्टिकल बन जाएगा, यानी उतना ये चिपटता जाएगा, उतना ये ओवल शेप में आता जाएगा। सो बी और ए के बीच का रिलेशन क्या है, नोट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ई वन से छोटा है, ई लेस देन इक्वल लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ई वन से छोटा होगा तो बी ए से छोटा होगा, ई की वैल्यू कुछ भी ले लो, हाफ ले लो, वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई फोर, ई की वैल्यू हाफ लो, हाफ, सो वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई फोर, थ्री बाई फोर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, मतलब बी ए से छोटा, जो कि यहां डायग्राम में भी दिख रहा है। B क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, A क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो E हमेशा वन से छोटा और जीरो से बड़ा लेंगे, जितना जीरो की तरफ जाएगा उतना ये चीज सर्किल बनेगा, और जितना E वन की तरफ आएगा उतना ये इलिप्टिकल। इसेंट्रिसिटी मतलब ये बताता है कि इसमें कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है, कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहां तक, नोट कर लिया है। अच्छा अब बच्चों इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पे एक यहां पे,
ठीक है। यहां से जो फोकस का डिस्टेंस है बच्चों, यहां से वो होता है ए ई, और पीछे की तरफ भी कितना होगा ए ई, ए इंटू ई। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए ई कॉमा जीरो और इसका माइनस ए ई कॉमा जीरो। बोलो सही है, ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो बता सकते हो ए कॉमा जीरो और इस पॉइंट का माइनस ए कॉमा जीरो। इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट पूछे जीरो कॉमा बी, बी ऊपर गए हैं, ये जीरो कॉमा माइनस बी, बी किधर आए? नीचे आए। तो इतनी बातें इलिप्स के बारे में आप पहले नोट करें फिर अंदर बढ़ें। क्या बोला? प्लैनेट किसमें घूम रहे हैं? इलिप्स में घूम रहे हैं, सन के अगल बगल। सन कहां पे है? सेंटर पे। सन कहां पे है? सेंटर पे नहीं, या तो इस फोकस पे या तो इस फोकस पे, किसी एक फोकस पे, ठीक है। और प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं। क्या इक्वेशन है इलिप्स की? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस। ए और बी कैसे रिलेटेड है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू जीरो से बड़ी, वन से छोटी। क्लियर है? नोट कर लिया? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। या तो यहां पे है या तो यहां पे। मिटा रहे? अच्छा देखो, यहां से एक बात बड़ी साफ समझ में आती है और वो ये है कि प्लैनेट्स सन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। कोई भी एक प्लैनेट ले लो, ये मान लो हमारा एलिप्स है, ठीक है। ठीक, ये मान लो एक फोकस है और यहां हमारा सन है, ठीक है। कहां पे? ए ई कॉमा जीरो पे, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। ये कितना हो जाएगा? ए कॉमा जीरो। सही है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए ई हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। मान लो यहां कहीं प्लैनेट है, यहां पे। तो ये प्लैनेट देखो सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। यहां पे प्लैनेट सन के पास है और जब यहां आ जाएगा तो प्लैनेट सन से काफी दूर हो गया। तो कैपलस का फर्स्ट लॉ ये बात कहता है कि हां, प्लैनेट सर्कुलर मोशन नहीं करते, इसलिए प्लैनेट कभी कभी सन के बहुत पास और कभी कभी सन से बहुत दूर। तो जब प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट होता है, डायग्राम में बताओ कहां पे होगा? डायग्राम में बताओ प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट कहां पे होगा? यहां 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 यहां। तो जब प्लैनेट ये सन के क्लोजेस्ट होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिफिलियन, पेरिफिलियन, पेरिफिलियन। क्या बोलते हैं? पेरिफिलियन। इसको पेरिजी भी बोलते हैं कई लोग, पेरिजी, पेरिफिलियन या पेरिजी। अब बताओ प्लैनेट और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस आर बिटवीन प्लैनेट एंड सन? ये डिस्टेंस है, ये कितना है? ए। ये कितना है? ए ई। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस ए ई, यानी ए इंटू वन माइनस ई। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन एंड प्लैनेट अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। प्लैनेट इससे पास सन के नहीं जा सकता। क्लियर? प्लैनेट फार्देस्ट कब आ सकता है सन के? ठीक है, प्लैनेट की स्पेलिंग सही कर ले, पी एल एन ई टी। आज थोड़ा हेल्थ नहीं सही है। प्लैनेट फार्देस्ट कब जा सकता है सन से? मेरे ख्याल से सन से सबसे फार्देस्ट यहां पे होगा। सही है, सन से सबसे दूर यही है। सो प्लैनेट और सन
जब फार्देस्ट होते हैं तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं एफिलियन, एफिलियन, या उसको आप लिखोगे एफओजी, ठीक है, पेरिजी और यहां पे एफओजी या एफिलियन। इस टाइम क्या डिस्टेंस होगा सन और प्लैनेट के बीच में? ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए ई, तो डिस्टेंस होगा ए प्लस ए ई, यानी ए कॉमन वन प्लस ई। सो दिस इज द फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, यानी प्लैनेट हर वक्त सूर्य से बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ से क्या क्या समझ में आया कि प्लैनेट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन कहां पे होता है, सन इज एट फोकस, सेंटर पे नहीं होता, फोकस कहां पे होता है, ए ई कॉमा जीरो पे। और क्या समझ में आया, एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और क्या समझ में आया, ए और बी में रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कहां से कहां होगी, ई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी। और क्या समझ में आया कि प्लैनेट जब क्लोजेस्ट होगा तो यहां पे होगा, डायग्राम बना के कर सकते हैं, याद ना करें इसको, ए डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगा तो ये कितना होगा ए माइनस ए ई, फार्देस्ट होगा तो कितना होगा ए प्लस ए ई। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर लिया, ओके। सो दिस वॉज केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं फेमस केपलर्स सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है, लेट अस गो टू केपलर्स सेकेंड लॉ। तो अब हम बात करेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ, इसको भी मिटा दूं, ओके, केपलर्स सेकेंड लॉ। अपने सेकेंड लॉ में केपलर ने कहा कि प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड्स। प्लैनेट सन के अगल बगल कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे, प्लैनेट अपनी स्पीड को रास्ते में बदल रहे हैं। पॉइंट में समझते जाओ, प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन, जब प्लैनेट सन के पास में होता है तब तेज चलता है, और जब सन से दूर जाता है तो धीमे चलता है। अब इसका लॉजिक क्या है, इनको ये पकड़ना होगा, इन्होंने ये चीज तो समझ में आई इनको कि प्लैनेट बराबर की स्पीड से नहीं चल रहा, जब सन के पास में पहुंचता है, ये एलिप्स है हमारा, ठीक है, ये एलिप्स है और ये मान लो सन है हमारा, ठीक है, एक फोकस में। तो इन्होंने कहा कि जब प्लैनेट यहां पहुंचता है सन के पास तो तेज भागता है, ये जगह वो तेजी से कवर करता है, ठीक है, और जब यहां आता है प्लैनेट तो इस जगह आके प्लैनेट कैसा हो जाता है, स्लो, और इस जगह कैसा होता है प्लैनेट, फास्ट। लॉजिक अभी नहीं पता इनको क्यों ऐसा हुआ नहीं पता, बट ये ऑब्जर्व किया कि सन के पास जाने पे प्लैनेट तेजी से चलता है और दूर जाने पे धीमे। यहां से करते करते इन्होंने अपना एक सेकेंड लॉ निकाला, लॉ अब लिखने जा रहा हूं मैं, लॉ अब आने वाला है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। द एरियल वेलोसिटी, टर्म देखिएगा क्या है टर्म, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। इसको एक तरह से और लिखा था, एरियल वेलोसिटी को समझाने का एक तरीका और था इनका, लॉ ये है, ठीक है, वो तो बातें थी, ये है लॉ। यहां फिर देखो लॉ लिख रहे हैं, द एरिया स्वेप्ट बाय अ लाइन जॉइनिंग
नहीं ऐसे लिखो, अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन. अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन, या इसी को कहने का तरीका, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट. नोट करें फिर इसको समझाएं कि ये बात है क्या. द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट. अच्छा, ये दोनों बातें ऊपर वाली समझ में आ गई, प्लैनेट कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे, यहां पे तेज यहां पे धीमे. अच्छा, और एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, या प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन. इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन, या एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट. अच्छा, बहुत बढ़िया. यहां मैं इलिप्स बनाता हूं. छोटा बनाता हूं सन, ठीक है. ये रहा सन, ये रहा प्लैनेट. तो बोला है सेकेंड लॉ की, घुमा फिरा के सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, या और क्या बोला, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. इसका मतलब क्या है दोनों स्टेटमेंट का, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट या इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. देखो, मान लो प्लैनेट एक सेकेंड में, मान लो प्लैनेट एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, मान लो बस यहां से यहां, कितने टाइम में, एक सेकेंड में. तो एक सेकेंड में प्लैनेट ने ये एरिया स्वीप किया, दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट एक सेकेंड में, जस्ट माना, ठीक. मान लो फिर प्लैनेट यहां पहुंचा, फिर एक सेकेंड बीता, एक सेकेंड में अब प्लैनेट को इतना ही एरिया स्वीप करना होगा. मान लो प्लैनेट यहां पे, ए यहां मान लो पहुंचा, है ना, यहां पे मान लो एक सेकेंड में, मान लो प्लैनेट ने पहले ये एरिया स्वीप किया, अब कभी भी एक सेकेंड टाइम लोगे तो प्लैनेट को वही एरिया स्वीप करना पड़ेगा. इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब मैं बोलूं एक सेकेंड में यहां पे कितना एरिया कवर किया, तो सेम एरिया होना चाहिए, और सेम एरिया होने के लिए ये हमको पाथ कम करनी पड़ेगी, है. बोलो, अगर ये दोनों एरिया बराबर होने हैं बच्चों, तो ये वाला इस वाले से कम होना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा होगा. अभी ये दोनों एरिया बराबर हो सकते हैं. मैंने कहा एक सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां तक चला, या प्लैनेट यहां से यहां तक चला, तो कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना. फिर मैंने कहा एक सेकंड में यहां पे भी इतना ही एरिया स्वीप करना है, तो प्लैनेट कम चलेगा, क्योंकि एरिया आप देख रहे हो यहां पे बड़ा हो रहा है, बिकॉज ये सन से दूर है. ये एरिया हमें लेना है सन के साथ बनाती हुई इसकी आर्क का, आर्क का एरिया. क्या बात समझ में आई है, नहीं आई है. मान लो हमसे बोलता है टी टाइम में, टी टाइम में ये एरिया स्वेप्ट किया कुछ ए, और तो यहां भी टी टाइम में वही एरिया आना चाहिए ए. अगर दोनों तरफ एरिया बराबर चाहते हो तो इसको कम करना पड़ेगा ना. अगर ये भी इतना ही बड़ा ले लोगे तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा. कुछ बात समझ में आ रही है, इसी बात समझो. एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट,
व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉन्स्टेंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट. भाई इसका मतलब भी तो यही हुआ, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. इसका मतलब यही तो होगा कि एरिया वन अपॉन टाइम टी वन इज इक्वल्स टू एरिया टू अपॉन टाइम टी टू इज इक्वल्स टू एरिया थ्री अपॉन टाइम थ्री थ्री इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा? कॉन्स्टेंट. इसको बोलते हैं क्या? एरियल वेलोसिटी. समझ में आया है? एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. अगर हम बोलते यहां पे dt टाइम में इसने एरिया स्वेप्ट किया है dA, तो इधर भी dt टाइम में ये कितना एरिया स्वेप्ट करना चाहिए? dA. तभी इसकी एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी. dA बाई dt शुड बी कॉन्स्टेंट. इसलिए यहां वाला ये पार्ट छोटा करना पड़ा, क्योंकि देख रहे हो ये सन से दूर होने की वजह से अपना एरिया बढ़ा सकता था. अगर मैं इसको भी इतना ही बड़ा करता तो एरिया बड़ा हो जाता. मतलब एक सेकेंड में या dt टाइम में इधर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इधर ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ताकि ताकि एरिया बराबर कर सके. फिर से, एक सेकेंड टाइम में या dt टाइम में इधर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इधर ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ताकि ये दोनों एरिया बराबर कर सके. इसे पर सेकेंड बराबर एरिया ट्रेवल करना है हर जगह पे, सिर्फ यहां यहां नहीं, ये तो एग्जांपल दिया, हर जगह पे. एक सेकेंड में इसने जितना एरिया यहां कवर किया है उतना ही यहां कवर करेगा ऐसे अगर बनाऊं, उतना ही यहां कवर करेगा ऐसे बनाऊं, उतना ही यहां कवर करेगा. एक सेकेंड में यहां ये ज्यादा डिस्टेंस चल रहा और यहां ये कम डिस्टेंस, क्योंकि यहां एरिया दूर होने की वजह से बढ़ चुका है, तो ये लेंथ ये कम करता है. यानी यहां पे एक सेकेंड में ज्यादा भागेगा, यहां पे एक सेकेंड में धीमे भागेगा. अगर इधर प्लैनेट की स्पीड v1 बोलूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इधर प्लैनेट की स्पीड मैं v1 बोलूं और इधर प्लैनेट की स्पीड v2 बोलूं, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे v1 इज ग्रेटर देन v2. बोलो यस और नो. एक सेकेंड के अंदर यहां प्लैनेट इतना डिस्टेंस कवर कर रहा और यहां एक सेकेंड में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर रहा, यानी प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है. सन के पास में प्लैनेट तेजी से भागता है, सन से दूर जाने प्लैनेट धीमा हो जाता है, ताकि अपने एरिया को, जो एरिया स्वीप कर रहा है उसको बराबर रख सके. यही है केप्लर सेकेंड लॉ. प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. सुनने में कठिन लगता है, समझ में आया 100%? चलिए बहुत बढ़िया, और समझाते हैं. अभी इसका प्रूफ भी देखना है, हमने कोई प्रूफ नहीं दिया, हमने तो बस बोल दिया कि ऐसा होता है, मान लो आपने मान लिया. अभी इसका हम सबूत भी देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मान लो ये सन है, ठीक है, हम बोले प्लैनेट यहां से यहां तक चला, मान लो एरिया कवर किया a1, टाइम लगा t1, फिर प्लैनेट यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक एरिया कवर किया a2, टाइम लगा t2, फिर मान लो प्लैनेट यहां से यहां तक चला, कैसा भी मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऑफ एनी शेप, यहां से यहां तक कवर किया, मान लो एरिया है a3, टाइम है t3, तो क्या a1, a2, a3 बराबर होंगे, t1, t2, t3 बराबर होंगे,
V1, V2, V3, मान लो यहां पे चलने की स्पीड है V1, यहां पे चलने की स्पीड है V2 और यहां पे चलने की स्पीड है V3। यहां पे V1 स्पीड से भाग रहा, यहां V2 से, यहां V3 से। तो आप मुझे बताना, बताओ क्या A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 होगा? यस और नो? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमेशा एरिया बराबर होगा। टाइम भी तो अलग अलग है, यहां हो सकता हो ज्यादा टाइम के लिए चला हो, अभी तो टाइम भी अलग है। जब इक्वल टाइम हो तब इक्वल एरिया बोलना। एक सेकंड में यहां जितना एरिया, एक सेकंड में यहां इतना एरिया, एक सेकंड में यहां इतना एरिया, अभी तो टाइम भी बराबर नहीं है। T1, T2, T3। तो अभी हम ये बोल सकते हैं क्या, A1 by T1 is equals to A2 by T2 is equals to A3 by T3। यही क्या हो गई, एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अच्छा, क्या V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा? बिल्कुल नहीं, प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता। क्या कांस्टेंट रहता है? एरियल स्पीड। ये है, ये क्या है, एरियल वेलोसिटी। समझ में आ गया, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। स्पीड के बारे में कहूं कुछ, कमेंट करो कहां स्पीड ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब सन के पास में होता है तब स्पीड ज्यादा होती है, सन से दूर जाने पर स्पीड कम हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा V1, फिर V2, फिर V3। सन के पास स्पीड सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम। ऐसा क्यों कर रहा? क्योंकि यहां सन के पास है, जल्दी एरिया कवर हो जा रहा, तो स्पीड को क्या करके रखा है इसने, ज्यादा करके रखा है। क्योंकि पास में है तो ये एरिया बहुत छोटा बन रहा है, तो स्पीड बढ़ा के एरिया को बढ़ाएगा। दूर चला गया तो अपने आप एरिया बढ़ जा रहा, ये तो स्पीड को उसने कम कर लिया, है ना, यहां पर स्पीड को उसने कम कर लिया ताकि एरिया बराबर आए, एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गई है बात, मिटा दें, ओके, फीलिंग आ गई। अब आता है इसका बहुत ही खूबसूरत सा सबूत, प्रूफ, प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, प्रूफ फॉर केपलर्स सेकेंड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रूफ फॉर केपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसके प्रूफ करने किताब में बड़े ही गलत तरीके भी दिए हैं, उनको फॉलो मत करें, अच्छा तरीका हो तो ठीक है। प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, तो हमको यह प्रूफ करना होगा कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, मतलब dA by dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमें प्रूफ करना है। तो कई किताबों में इसका प्रूफ ऐसे देता है कि देखने में बड़ा आसान लगता है पर कंसेप्चुअली गलत होता है। ठीक है, वो सर्किल मान के प्रूफ कर रहे होते हैं, हम इलिप्स मान के प्रूफ करेंगे। हमारा प्रूफ भी सिंपल होगा बट हमारे प्रूफ में कहीं एरर नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये इलिप्स है और यहां कहीं पे सन है और ये कहीं, हाँ हमारा मान लीजिए प्लैनेट है, इस जगह पे मान लीजिए प्लैनेट है हमारे पास। सन से मान लीजिए प्लैनेट r डिस्टेंस दूरी पे है और प्लैनेट इस तरफ भाग रहा विथ स्पीड v की स्पीड से भाग रहा। हम मानते हैं प्लैनेट छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए चला, प्लैनेट मूव्स फॉर टाइम dt, नोट करते जाएं, हम रब भी करेंगे अभी, टाइम dt, v स्पीड से dt टाइम के लिए चला। तो बच्चों डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट स्पीड इनटू टाइम। हमने माना dt टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए प्लैनेट v स्पीड से चला तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v dt। अच्छा, प्लैनेट की स्पीड क्या पूरे रास्ते सेम है? नहीं, चेंज हो रही है, पर हमने माना dt टाइम के लिए प्लैनेट की स्पीड क्या रही, v। इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए प्लैनेट की स्पीड चेंज नहीं हुई, इसलिए हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सीधा सीधा लगा दिया कि छोटे से टाइम में स्पीड क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। अब बच्चों अगर ये r वेक्टर है और ये v वेक्टर, तो मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा,
किताब में आप यही क्या करते हो, कई जगह शॉर्टकट लगा के इसको 90 मान लेते हो। सो आर और वी में यहां पे 90 एंगल नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन होता तब आप बोलते वी और आर में कितना एंगल है 90, यहां वी यहां आर लेते तो भी 90 90 डिग्री, पर यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं है। हमने मान लिया कोई भी एंगल थीटा है जो कि समय के साथ बदलता जाएगा। अब ये एरिया मेरे पास बन गया, देखो ए, ये एरिया बन गया मेरे पास। इस एरिया को मैं निकाल के बाहर रख रहा हूं, ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहे ये निकाल के मैंने बाहर बनाया। बच्चों ये कितना है आर, ये आर वेक्टर है, टीयू 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 टीयू, ये एंगल कितना है थीटा, ये डिस्टेंस कितना है वी डी टी, यही तो डिस्टेंस कवर करेगा वो वी डी टी। अच्छा अब मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, है ना, तभी तो हम कुछ डी ए बाई डी टी की तरफ जा पाएंगे, यही तो एरिया है, कितने टाइम में कितना एरिया, तो हमें ये एरिया निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेंगल है। आप बोलोगे सर ट्रेंगल कैसे, वहां तो वो कर्व दिख रहा है। देखो यार जो सच बात है, डी टी टाइम में ये कितना चल पाएगा, थोड़ा सा, डी टी टाइम में कितना चलेगा, थोड़ा सा, इतना सा। अब इतना सा अगर पार्ट तुम बाहर देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये कर्व कहां दिखाई पड़ेगा। अरे टी टाइम में चलता तो ऐसे कर्व दिखाई पड़ता कि पूरा कर्व चला, डी टी टाइम में इतना सा चलेगा वो, इतना सा टुर, टुर, टुर। अब इतने से में कर्व बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भाई, ट्यू ट्यू इतना सा, तो ये करीब करीब हमारा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए डिस्टेंस है, तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन। यानी ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस तो दिख रहा है आर, हाइट निकालनी पड़ेगी, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग, ये हाइट नहीं होगा वीडीटी, ये 90 डिग्री पे नहीं है। एल्टीट्यूड जो ट्रायंगल का होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये मत ले लेना, ये तो थीटा एंगल पे है। बच्चों ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बोलो सही है। ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, हम बोल देते हैं ये हाइट है ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, टिक टिक, यहां से साइन 180 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, यहां से एच इज इक्वल्स टू वी डी टी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस होता तो माइनस कॉस आता, साइन में तो सिर्फ साइन थीटा, तो एच मिल गया आपको वी डी टी साइन थीटा, और बेस कितना है आर, तो आपको एरिया मिल सकता है। इस एरिया को भी मैं शराफत से डीए बोल दूं, क्योंकि बहुत छोटा एरिया होगा, बहुत छोटे टाइम तक आगे बढ़ा है, तो डीए इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है आर, हाइट कितनी है वी डी टी साइन थीटा, डीए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है आर इंटू वी डी टी साइन थीटा, बोलो क्लियर है। हाइट कैसे निकाली, हाइट इस ट्रायंगल से साइन 180 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है बहुत बड़ी, बुक में क्या अज्यूम कर लेता है, बोलता है कि इस एंगल को 90 मान लो, तो फिर फायदा ही क्या यार, 90 हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, फिर इलिप्स में कहां घूम रहा है, हमने थीटा मान के किया। यहां तक कॉपी करें फिर रुक जाए, इसको हम यूज करेंगे आगे, इसको फर्स्ट नंबर डालकर छोड़ दें, यहां तक कॉपी करें फिर रुक जाए, कॉपी कर ले पॉज करके, कॉपी कर ले। चलिए अभी हमको डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करना बाकी है, डीए और डी टी दिखाई पड़ने लगे हैं, अभी डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करना बाकी है। अच्छा मिटार दे इतना, ये मिटार दे, ओके ओके, ये भी मिटार दे, अब देखो एक बड़ी प्यारी लॉजिक है,
कि जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है ना, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लिख लो चाहो तो ये बात, अभी प्रूफ भी कर देंगे। जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है सन के अगल बगल, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम नहीं रहता। मोमेंटम क्यों नहीं रहता? क्योंकि प्लैनेट की स्पीड लगातार चेंज हो रही है। वी तो चेंज हो रहा है ना, जब सन के पास है तो स्पीड क्या है? ज्यादा। सन से दूर है तो स्पीड क्या है? कम। मोमेंटम तो उसका कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जरा देखें ऐसा क्यों, प्रूफ करूंगा मैं। मान लीजिए यहां सन है और यहां प्लैनेट है, ठीक है? इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने आर वेक्टर से, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, मुझे बताओ प्लैनेट का टॉर्क क्या होगा अबाउट सन? टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए, आर क्रॉस एफ। बच्चों ये आर वेक्टर, फोर्स, प्लैनेट पे लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स क्या इसी लाइन के अलोंग होगी? बिल्कुल, टुवर्ड्स द सन। तो आप देख रहे हो फोर्स इज पासिंग थ्रू सन, और आप सन के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे थे। कितना टॉर्क आ जाएगा? जीरो। रोटेशनल पढ़ा है ना मेरे से, रोटेशनल के लेक्चर देखें तभी ये पॉइंट आएगा समझ में। देखो यहां पे आर और एफ पैरेलल या एंटी पैरेलल जो बोल दो, आर ऐसे एफ ऐसे, तो आर एफ इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। क्रॉस लगाइए यार, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो आर ऐसे वेक्टर हो गया, एफ इधर हो गया, साइन 180, साइन 180 इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, साइन 180 जीरो, इन एनी वे टॉर्क इज जीरो। अब मैंने आपको कई बार बताया था कि इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। याद आ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन? इसको याद करने का तरीका मैंने सिखाया था, इफ फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। याद है, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज, सॉरी टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। इफ नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो इज देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। याद है ये बात? तो बस वही बात थी कि क्योंकि टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। नहीं आता है तो आप YouTube पे टाइप करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स वाला। क्या टाइप करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स वाला, और उस लेक्चर के शुरुआत की थोड़ा देर देख लीजिए, 15-20 मिनट में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी पे लगने वाला अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही मैं बता रहा हूं, जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, डेरिवेशन में भी यूज कर रहे हैं, इसको याद भी रखो कि जब प्लैनेट सन के अगल बगल घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब जरा देखो इस लॉजिक को यूज करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट वाली, ठीक है? ये हो गया हमारा इलिप्स, ये हो गया प्लैनेट, मान लो ये घूम रहा वी वेलोसिटी से, ये हमारा सन, टिंग डिंग 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 डिंग, ये आर, ये एंगल थीटा, वेलोसिटी वी, प्लैनेट का मास एम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। अब ये सब रोटेशन से आया है, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। तो आर तो दिखाई पड़ रहा है, पी मतलब मोमेंटम, यानी आर क्रॉस एम वी। अब बच्चों वी और आर के बीच में आप कितना एंगल मानकर चले थे? थीटा एंगल मान के चले थे शुरुआत से डेरिवेशन में, आर ऐसे वी ऐसे एंगल थीटा। सो इट विल बी व्हाट? एम वी आर साइन थीटा, ये होगा एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर साइन थीटा। इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर पी की जगह मास इनटू वेलोसिटी, फिर क्रॉस लगा है तो हमने देखा आर और वी के बीच में एंगल थीटा, तो क्रॉस में आता है साइन थीटा, एंड दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट। चलो यहां पे ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा कोई टर्म दिखाई पड़ रहा है? क्लोज तो हो उसके, आर वी साइन थीटा दिखाई पड़ रहा है, नोट कर लिया है, डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, यहां लिख लेते हैं, डी ए इज इक्वल टू हाफ
आर वी डी टी साइन थीटा। आइए डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। अगर मैं ऊपर m से और नीचे m से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, m और नीचे भी m। अब देखो डी ए इज इक्वल टू हाफ एम वी आर साइन थीटा डी टी बाय एम। सही है, डी ए इज इक्वल टू हाफ एम वी आर साइन थीटा डी डी बाय एम। एम वी आर साइन थीटा क्या बन गया, एल डी ए डी टी ले आओ बाय डी टी इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा बिकम्स एल बाय टू एम। एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। मास प्लैनेट का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। बोलो आया समझ में, डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट तो होता ही होता है, और अब यह भी याद रखो किसके इक्वल होगा, एल बाई टू एम के। कॉन्स्टेंट तो होता ही है और किसके इक्वल आएगा, एल बाई टू एम। एल इज एंगुलर मोमेंटम, एम इज मास ऑफ प्लैनेट, और एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का घूमते वक्त क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्यों कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क जीरो क्यों होता है, क्योंकि आर और एफ सेम लाइन पे है। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एम वी, आर एम वी साइन थीटा। फिर मैंने यहां आया, एरिया वगैरह निकाला था, वो एक्सप्रेशन ये था डी ए हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, एम एम से मल्टीप्लाई किया, एम वी आर साइन थीटा को मैंने एल लिख लिया, टू एम को टू एम, डी टी इधर। क्लियर, समझ में आ गया प्रूफ इसका, 100% करेक्ट प्रूफ। इसमें मैंने कहीं भी अज्यूम नहीं किया कि 90 डिग्री पे है या ऐसी कोई कहानी है। इसमें आपको एक चीज और समझ में आई कि प्लैनेट का घूमते वक्त एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं होता। जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है तो प्लैनेट का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं। क्या प्लैनेट सन के अगल बगल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, नहीं, प्लैनेट स्पीड चेंज कर रहा। जब प्लैनेट सन के पास जाता है तो तेजी से चलता है, और जब प्लैनेट सन से दूर जाता है तो धीमे धीमे चलता है। प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। प्लैनेट का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्लियर है, so dA by dt is equals to L by 2m। कर लेंगे अपने आप प्रूफ। ओके चलिए, so ये था सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, या केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा यही भी हम एक बात और कर लेते हैं जो कि इससे जुड़ी तो नहीं है, पर जो हमने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कॉन्स्टेंट है, उससे जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा फैक्ट है, उसको आपको जानना चाहिए। स्पीड ऑफ प्लैनेट एट एफिलियन एंड पेरिफिलियन, एफिलियन और पेरिफिलियन समझ गए, एफिलियन एफओजी, पेरिफिलियन पेरिफोजी, ठीक है, पेरिफोजी। पेरिफोजी कहां पे होता है, जब एकदम क्लोज हो आप सन के, एफओजी जब आप दूर हो, ठीक है, इसको पेरिजी बोल दो, पेरिफोजी की जगह पेरिजी, जब क्लोजेस्ट हो, जब फार्देस्ट हो, उस टाइम प्लैनेट की क्या स्पीड है। तो ये फेमस टर्म है, कैसे निकलता है जरा देखो। मान लो एक बार प्लैनेट यहां पे है, एक बार प्लैनेट यहां पे है, दो पॉइंट्स लूंगा, और सन मान लो यहां पे है, यहां पे मान लो सन, ठीक है, यहां मान लो प्लैनेट की स्पीड v1, यहां मान लो प्लैनेट की स्पीड v2, ठीक है, v1 और यहां पे v2। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस मान लो है r2। वैसे हम r1 और r2 शायद निकाल चुके हैं, है ना, जब सबसे दूर होगे तो डिस्टेंस कितना होगा, याद है, सबसे दूर हो गए तो डिस्टेंस कितना आया था, a प्लस ए ई, है ना, यानी a इंटू वन प्लस ई, और जो सबसे पास होते थे तो डिस्टेंस कितना था, फर्स्ट लॉ में बताया था a माइनस ए ई, मतलब a इंटू वन माइनस ई, तो ये हो गया r2। तो वैसे तो हमारे पास r1 r2 की वैल्यूज भी है। मास ऑफ प्लैनेट सेम रहेगा, यहां पे मान लो m, यहां पे मान लो m,
मास ऑफ सन को मान लो ms, मास ऑफ सन को मान लिया ms। इस जगह पे और इस जगह पे क्या प्लैनेट की स्पीड सेम होगी? बिल्कुल नहीं। यहां पे स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि सन के पास है, यहां पे स्पीड कम। यहां पे और यहां पे क्या मोमेंटम सेम होगा? बिल्कुल नहीं। यहां मोमेंटम mv1, यहां मोमेंटम mv2। पर यहां और यहां पे क्या चीज सेम होगा? एंगुलर मोमेंटम। जब प्लैनेट घूमता है तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों रहता है? क्योंकि टॉर्क जीरो है अबाउट सन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, सन के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है, अबाउट सन। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कहां? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन इज कांस्टेंट। तो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये हमारा हो गया पेरिजी, ये हो गया एफओजी, सबसे दूर सबसे पास। यानी एंगुलर मोमेंटम एट फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट सेकंड पोजीशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। तो यहां पे R1 क्रॉस P1 इज इक्वल्स टू R2 क्रॉस P2। आपको दिख रहा है यहां R और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल है? 90। यहां R2 और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल होगा? 90। तो क्रॉस में कोई साइन थीटा का टर्म नहीं आएगा, साइन 91 हो जाएगा। सो R1 इंटू MV1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू MV2। लिख सकते हैं यहां से M से M मर जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा V1 R1 इज इक्वल्स टू V2 R2। अब देखो R1 और R2 की वैल्यू आपको पता है। R1 सबसे दूर कितना हो जाएगा याद है? ये था A और ये था AE, फोकस AE और ये A। तो R1 कितना है? A प्लस AE। सो V1 इंटू A इंटू 1 प्लस E इज इक्वल्स टू V2। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा याद है? यहां से यहां तक था A और ये था AE, तो A माइनस AE, A इंटू 1 माइनस E। ये तो एक एक्सप्रेशन तो ये बना, इसको अपने पास बचा के रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे निकला? एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट मान के। V1 इंटू A 1 प्लस E इज इक्वल टू V2 इंटू A 1 माइनस E। एंगुलर मोमेंटम एट फर्स्ट पोजिशन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट सेकेंड पोजिशन। R1 इंटू MV1, R2 इंटू MV2 दोनों बराबर, M से M मर गया। R1 V1 इज इक्वल टू V2 R2 और R1 R2 की वैल्यूज वहां से हमको पता है। क्लियर यहां तक? रब कर दूं ये, मिटा दूं ये। पहली वाली इक्वेशन समझ गए कहां से आई? एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करके। नोट कर लिया है, मिटा दें। ओके, ओके। अब क्योंकि हमें स्पीड ऑफ प्लैनेट दो जगह पे चाहिए, एफओजी पे यानी फार्देस्ट, पेरिजी यानी क्लोजेस्ट, यानी V1 भी चाहिए और V2 भी चाहिए, दोनों स्पीड चाहिए हमको। ठीक है, ठीक है। यहां पे हमने V1 मानी थी है ना, और यहां पे हमने V2 मानी थी, और यहां हमारा सन था। अब एक और इक्वेशन चाहिए होगी, कैसे लाएं, कैसे लाएं दूसरी इक्वेशन, कहां से लाएं दूसरी इक्वेशन? बच्चों हम लाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जब प्लैनेट सन के अगल बगल घूमता है तो प्लैनेट की एनर्जी कंजर्व रहती है। रीजन पूछोगे क्यों? क्योंकि भैया वैक्यूम में घूम रहा है तो कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। आप बोलोगे सर कोई फोर्स वर्क तो नहीं कर रही, कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही। ग्रेविटेशन की फोर्स देखो ऐसे लगेगी और डिस्प्लेसमेंट आप उसके परपेंडिकुलर हर इंस्टेंट में। और वैसे भी ग्रेविटेशन की फोर्स कैसी है हमारी, मैं तो भूल ही गया, वेरी सॉरी। ग्रेविटेशन की फोर्स कैसी है हमारी? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। सो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी विल बी सेम। सो टोटल एनर्जी एट फर्स्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेकेंड। सो पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट, ये डिस्टेंस कितना है R1, डिस्टेंस कितना है R2।
बच्चों यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, है ना। मास ऑफ सन को आपने बोला एम एस, मास ऑफ प्लैनेट को आपने बोला यम, मास ऑफ प्लैनेट को आपने बोला यम। सो माइनस जी एम एस इन टू यम अपॉन आर वन। काइनेटिक एनर्जी हाफ यम वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट माइनस जी यमस इन टू यम अपॉन कितना R2। काइनेटिक एनर्जी हाफ यम वी टू स्क्वायर। ये आपको मिली बच्चों सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी आप R1 और R2 की वैल्यू को वहां से सब्सटीट्यूट कर दो, R1 और R2 की वैल्यू को वहां से सब्सटीट्यूट, यहां से आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर टू। अब आप क्या करना, R1 की वैल्यू यहां पुट करना, क्या रखोगे A इंटू वन प्लस ई, ए इंटू वन प्लस ई, और R2 की जगह A इंटू वन माइनस ई। ठीक, अब यहां से V1 की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर देना तो आपको आंसर V2 का मिल जाएगा, फिर V2 का आंसर यहां रख देना तो V1 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, दो वेरिएबल है V1 और V2, यहां पे भी V1 और V2, तो V1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो इस जगह पे V1 की जगह इन टर्म्स ऑफ V2, तो V2 का आंसर मिल जाएगा। सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं आपको बता दूं क्या मिलने वाला है, अब आप इसको सॉल्व खुद से करेंगे। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से V1 की वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ V1 अंडर रूट जी एम एस बाई ए एंड V2 अंडर रूट जी एम एस बाई ए। यहां तक दोनों सेम, कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, वी वन की वी टू, वी टू है ना, तो वी टू में आएगा वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, ऊपर बड़ा कर दिया नीचे छोटा, स्पीड ज्यादा हो गई। ये स्पीड कम होगी तो यहां आएगा वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया V1 और V2। तो इस जगह की स्पीड और इस जगह की स्पीड आप चाहो तो मन में याद रख सकते हो, बहुत इजी है। क्या क्या स्पीड होगी, V1 कहां की स्पीड हुई, जब आप फार्देस्ट हो, मतलब कहां की, FOG की, और V2 कहां की, जब आप क्लोजेस्ट हो, मतलब पेरिजी की। दोनों में अंडर रूट जी एम एस बाई ए तो आएगा ही, अंडर रूट जी एम एस बाई ए, ए तो समझ रहे हो ना क्या है, ए तो सब लोग समझ रहे हैं, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए, ये तो दोनों में आएगा। कौन सी स्पीड बड़ी होगी, दिमाग लगा लो, ये वाली, तो यहां पे ऊपर वन प्लस ई लिख दिया, ये बड़ी होगी ना, पास में तेजी से चलता है, और यहां पे ऊपर वन माइनस ई। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आई होप आप याद रखोगे अंडर रूट जी एम एस बाई ए, और एक्सप्रेशन क्या लिखना है, वन प्लस ई और वन माइनस ई, दिमाग लगाने का, क्लोज में होगा तो स्पीड ज्यादा रखनी है तो ऊपर वन प्लस ई रख लेंगे। क्लियर है, कैसे निकाला, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मान के और टोटल एनर्जी। तो ये चीजें आप न्यूमेरिकल करते वक्त भी याद रखना, कभी कोई न्यूमेरिकल बनता है जिसमें प्लैनेट्स की दो पोजीशन देखता है, एक पोजीशन पे आपको स्पीड दे देता है, दूसरी पोजीशन पे आपसे स्पीड पूछता है, तो आप एंगुलर मोमेंटम को कॉन्स्टेंट कर लो। ठीक है, जनरली इन दो जगह पूछता है, तो इन दो जगह की आपको मैंने लर्न करा दी। अदरवाइज आप याद रखना, प्लैनेट के केस में, प्लैनेट के केस में अगर स्पीड का सवाल आए दो पॉइंट पे, तो एंगुलर मोमेंटम वन इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम टू, टोटल एनर्जी वन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी टू से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसके साथ हम पहुंचते हैं इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे, विच इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, तो अपने थर्ड लॉ तृतीय लॉ में केपलर ने हमसे कहा कि मान लीजिए ये सन है और ये कोई प्लैनेट है फर्स्ट, और ये कोई प्लैनेट है सेकंड। पहला प्लैनेट मान लीजिए R1 डिस्टेंस दूर, और दूसरा प्लैनेट मान लीजिए R2 डिस्टेंस दूर है सन से। पहला प्लैनेट मान लो एक चक्कर घूमता है T1 टाइम में, और दूसरा प्लैनेट एक चक्कर घूमता है टी टू टाइम में, टाइम पीरियड, एक चक्कर घूमने का टाइम। तो केपलर्स थर्ड लॉ हमसे कहता है
T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। न्यूमेरिकल आपको यहीं से मिल रहे हैं कि दो प्लैनेट हैं, सन के अगल बगल घूम रहे हैं, एक का टाइम पीरियड T1 है, एक के घूमने का टाइम पीरियड T2 है, एक सन से R1 डिस्टेंस दूर है, एक सन से R2 डिस्टेंस। तो T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का क्यूब, या शॉर्ट में हम बोले तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्लैनेट की एक्चुअल पाथ जो है वो इलिप्टिकल है और ये R रेडियस है जैसा है। तो रेडियस की बात सर्कुलर मोशन में सही लगती है। जो एग्जैक्ट लॉ है वो ये है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब, दिस इज एग्जैक्ट लॉ, नॉट आर। आर तो आप समझ रहे हो ना, अलग अलग है। क्या प्लैनेट का डिस्टेंस सन से हमेशा कांस्टेंट है? नहीं, प्लैनेट कभी सन के पास जाता है, कभी दूर जाता है। तो ये वाला कहना 100% ट्रू नहीं है, ये सही है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। चलिए देखते हैं, पहले हम सर्कुलर मोशन लेके प्रूफ कर देंगे सिंपल तरह से, फिर इलेप्टिकल लेके भी प्रूफ करेंगे। पहले सिंपल तरह से, जैसे किताबों में दिया हुआ है स्कूल की, कि चलिए मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा, किताबों में ऐसी लिखता है, चलिए मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा और प्रूफ कर देते हैं। आइए हम भी, लेट अस सपोज, दोनों तरह से करेंगे अपन, लेट अस सपोज कि प्लैनेट किसमें मूव कर रहा, प्लैनेट मूव्स इन सर्कल। लो, केपलर का लॉ ही गलत कर दिया। लेट अस सपोज केपलर्स लॉ इज रॉन्ग, लेट अस सपोज प्लैनेट मूव्स इन, अब तो प्रूव हो ही जाएगा, अब क्यों नहीं होगा, आपने पूरा लॉ ही तोड़ मोड़ दिया है। नहीं तो अरे मान लिया प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट का मास m, प्लैनेट की वेलोसिटी v, और मान लिया सन से कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस। फर्जी, ये तो आपने सर्कुलर मोशन मान लिया r डिस्टेंस, वो तो बढ़िया एलिप्स बना के दिया था, इस पे तो प्रूफ तुरंत होगा, देखो कटाक्ष। अब मैंने बोला प्लैनेट को अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी, ग्रेविटेशन से। ये लगाना ही गलत है केपलर्स लॉ के हिसाब से, तो ये इक्वेशन लगाना ही गलत है प्लैनेट और सन में। सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कहां से करोगे। सैटेलाइट में लगा रहे थे, ठीक था, सैटेलाइट गोल गोल घूमती है मान लिया जाता है, प्लैनेट गोल गोल घूमते ही नहीं है, प्लैनेट इलेप्टिकल। अब आप तुम मान रहे हो, उसमें करने को ये प्रूफ हो जाएगा, यहां से देखो है बड़ा हलवा। हमने कहा कि प्लैनेट को सन ने खींचा विद फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा कौन, ग्रेविटेशन। कोई ना कोई फोर्स होती है ना जो सेंट्रीपिटल बनाती है, तो ग्रेविटेशन है इस प्लैनेट के बीच में और सन के बीच में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, एम ओ वी स्क्वायर बाई आर, प्लैनेट का मास एम, वेलोसिटी वी और रेडियस आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो जी एम एस एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम मर गया, एक आर से एक आर मर गया, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम एस बाय आर। ये हो गई स्पीड ऑफ प्लैनेट। अब यहां से देखो स्पीड ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट आ रही है पूरी तरह से बकवास है ये, पता नहीं किताब में क्यों दिया है। देखो कांस्टेंट आ रही कि नहीं, जी कांस्टेंट, मास ऑफ सन कांस्टेंट, आर आप तो सर्कल मान रहे हो, सर्कल के लिए आर भी क्या होगा कांस्टेंट, स्पीड ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट विच इज फॉल्स, अभी पिछला ही लॉ पढ़ा। खैर टाइम पीरियड निकालना है हमको, है ना, अभी क्या निकालना है, टाइम पीरियड, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। यहां तक समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। बच्चों टाइम पीरियड एक चक्कर का टाइम, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, एक चक्कर घूमने में जितना समय लगा उसी को टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस घूमोगे, एक चक्कर में डिस्टेंस घूमोगे 2πr, और किस स्पीड से, v, 2πr घूमा एक चक्कर में, किस स्पीड से v, so t is equal to 2πr, और v की जगह अंडर रूट gms by r, ये r ऊपर जाएगा, t is equal to 2πr की पावर 1, और ये क्या है, r की पावर हाफ, ऊपर जाएगा 1 प्लस हाफ अपॉन अंडर रूट gms, so t is equals to 2πr की पावर 2 प्लस 1 3/2 अपॉन अंडर रूट gms। अगर लास्ट एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, so है t is equals to 2πr की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gms,
यहां से देखो g कांस्टेंट, मास ऑफ सन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, दिख रहा है t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, प्रूव्ड, दोनों तरफ स्क्वायर करो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे हलवा, वो बोलेगा एक प्लैनेट इतना दूर है, दूसरा प्लैनेट सन से इतना दूर है, एक का टाइम पीरियड ये है तो दूसरे का टाइम पीरियड निकालो, तो कर लोगे, एक प्लैनेट का डिस्टेंस ये है, दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस ये है, ठीक है, एक सन से इतना दूर है, दूसरा सन से इतना दूर है, ठीक है ना, मतलब वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कहां से देगा, क्वेश्चन आपको यहां से देगा, क्या T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब, ये क्या है दोनों के टाइम पीरियड दो प्लैनेट्स के, और वो क्या है दो प्लैनेट्स का डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, बोलेगा कि ऐसा करते हैं हम एक प्लैनेट को सन के पास ले आए, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो बताओ टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, कर लोगे ये सब, एक प्लैनेट के हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, कर लोगे, और डिस्टेंस को हाफ कर दोगे आर हाफ हो जाएगा तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, तो एक बार यहां पे आर ले लो, यहां पे आर बाई टू ले लो, एक टाइम पीरियड टी टू ले लो, एक टी वन ले लो, कर पाओगे, इसका असली प्रूफ बताऊं कि न्यूमेरिकल करना है इसका, एक न्यूमेरिकल कर ही लो यार तुम, अब ठीक है आइए इसका असली प्रूफ भी बताएंगे, अभी मैंने बताया ना ये प्रूफ तो गलत है, क्यों, क्योंकि आप यहां पे सर्कुलर पाथ मान के चल रहे थे, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जेई 1996 का, बहुत ही पुराना, इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी, ऑप्शन दे रहा है 64.5, 129, 182.5, 730, हमसे बोला अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस प्रेजेंट वैल्यू का हाफ कर दे तो एक साल में कितने दिन बचेंगे, ट्राई करिए, ट्राई करिए, खुद से पॉज करके वीडियो को ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी, चलिए तो ये सन है ये अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं अर्थ कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस दूर, और टाइम पीरियड मान लेते हैं कितना है टी वन, तो हम बोल सकते हैं टी वन, और बाद में दोनों कर लेते हैं, और बाद में मान लेते हैं अर्थ का डिस्टेंस कम हो गया, कितने डिस्टेंस पे हो गई डी बाई टू, और टाइम पीरियड हो गया टी टू, बोलो सही है, क्या बोला है डिस्टेंस क्या कर दिया है हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू टी टू, सो वी कैन राइट T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस D/2/D का होल क्यूब, बोलो समझ में आया, पहले टाइम पीरियड T1 है डिस्टेंस D है, फिर टाइम पीरियड T2 है डिस्टेंस D/2 है, तो T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब, सही है, अब T1 ये तो भाई प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में टाइम पीरियड कितना होता है हमारा, एक चक्कर सन के अगल बगल कितने दिन में होता है 365 डेज, और T2 हमसे पूछा है कि एक चक्कर कितने दिन में होगा, बोलो समझ में आया, प्रेजेंटली हमने माना अर्थ डी डिस्टेंस दूर है, जब डी डिस्टेंस दूर है तो कितने टाइम में एक चक्कर घूमता है 365, फिर ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस हाफ कर दिया D/2 तो कितने टाइम में एक चक्कर घूमेगा, तो आइए देख लेते हैं, सो T2/T1 कितना है 365 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू D/2/D का क्यूब, तो D/D कैंसिल, 1/2 का क्यूब 1/8, तो यहां से T2 इज इक्वल्स टू 365 इंटू 365/8, ऐसे लिख सकते हैं,
T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये, यहां से T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस, सो T2 इज इक्वल्स टू 365 अपॉन 8 का रूट लोगे तो क्या आएगा 2√2, सही है। अब नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई, ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 365√2, और नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई तो √2 √2 2 2 4, बोलो सही है। रूट टू से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 2 2 4, ऊपर रूट टू, सो 4 1 4, 4 9 36, 4 1 4, इसको करीब करीब 364 ही मान लो, अप्रोक्स आंसर निकाल लेंगे। चार ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं, दूर दूर गए हैं, तो 91 into √2, सो 91 into 1.4 है ना, रूट टू की वैल्यू 1.4 रख दें अगर हम, ठीक है, सो इट विल बी हाउ मच, 14 14 4 सो 10 49 126 और 10 136.4 के आसपास। सो मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 129 जो क्लोजेस्ट है, बाकी आप समझ रहे हो, थोड़े बहुत हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिए हैं, क्लियर है। सो 129 डेज हो जाएगा अर्थ का नया टाइम पीरियड अगर अर्थ सन के पास चला जाए, अभी डिस्टेंस डी है, अगर डी बाई टू डिस्टेंस पर चला जाए तो 129 दिन में एक चक्कर घूम लेगा। बोलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आपको मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, T1 by T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 by R2 के क्यूब के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जरा इस पे भी आया, जो हमने प्रूफ किया है उस प्रूफ पे एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, 97 का है ये भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम About sun to its mass is 4.4 × 10⁻¹⁵ meter square per second. The area enclosed by Earth's orbit is approximately dash meter square. ये हमसे दिया सवाल, क्या सवाल है, ratio of earth's orbital angular momentum to its mass is 4.4 × 10⁻¹⁵ meter square per second. The area enclosed by earth's ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली डैश मीटर स्क्वायर, समझना बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, आईडी का आया, वो बहुत प्यारा सवाल है। मान लो ये अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारी अर्थ की कंप्लीट ऑर्बिट है अराउंड सन, ठीक है, इलिप्स होगी ना, अच्छा इलिप्टिकल बना लेते हैं, ये ठीक, और ये हमारा यहां पर सन, ये हमारी अर्थ, ठीक है ना, अच्छा बोल रहा है द एरिया इंक्लोज्ड बाय अर्थ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, पूरा एरिया चाहिए उसको, अर्थ की ऑर्बिट का इंक्लोज हुआ एरिया, मतलब उसको इस इलिप्स का एरिया चाहिए, दिस कंप्लीट एरिया ऑफ इलिप्स, ये इसको मांगता है, इसको ये चाहिए पूरा, द एरिया इंक्लोज्ड बाय एलिप्स, देखो ना, द एरिया इंक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, तो बेटा अर्थ की ऑर्बिट तो ये है ना पूरी, बच्चों अर्थ की ऑर्बिट तो ये है, द एरिया इंक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट के अंदर तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, पूरा कंप्लीट, तो नहीं ये कंप्लीट एरिया चाहिए। तो बच्चों एलिप्स का एरिया, वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला अगर बता दूं तो उससे भी काम बनेगा नहीं, एलिप्स का एरिया होता है पाई टाइम्स ऑफ ए बी, ए बी तो समझ रहे हो, ए होता था ये वाला डिस्टेंस और बी होता था ये वाला डिस्टेंस, ए बी पाई टाइम्स ऑफ ए बी होता है एरिया ऑफ एलिप्स। ध्यान से क्वेश्चन देखो, द एरिया इंक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट ये पूरा एरिया इंक्लोज करेगी ना, ये कंप्लीट एरिया, यही तो अर्थ की ऑर्बिट इंक्लोज करेगी, ये पूछ रहा है, पर यार इससे काम नहीं बनेगा, ना ए पता है ना बी। जरा केपलर सेकेंड लॉ याद करो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू
एल बाई टू एम, यही हमने प्रूफ किया था, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम। अच्छा, एल की वैल्यू हमको दे रखी है, शायद एल बाई एम की दे रखी है, रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मास, अबाउट सन दिया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन ही होता है इसमें, टू इट्स मास, मतलब हमको एल बाई एम की वैल्यू दी है, एल बाई एम की वैल्यू दी है 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। साथ में हम 2 अपना लिख लें, हमको क्या दे रहा है, रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मास, मतलब हमको एल बाई एम की वैल्यू दी है 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हमने उसको लिख लिया। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि अर्थ ने पूरा एक चक्कर लगाया, अर्थ ने पूरा एक चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर, हम मानते थे ना एरिया स्वीप किया अर्थ यहां से यहां गया तो ये एरिया बन रहा था, याद है हम बोलते थे यहां से प्लेनेट यहां गया, देखो हम मानते थे ना यहां से यहां गया तो कितना एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया, ऐसे मान रहे थे ना, यहां से यहां गया तो इतना एरिया स्वीप किया, नहीं हम मानते हैं अर्थ पूरा एक चक्कर लगाया, पूरे एक चक्कर में कितना एरिया स्वीप करेगा, कंप्लीट, तो पूरा एरिया आ जाएगा, है कि नहीं, पूरे एक चक्कर को मान लो तो कितना एरिया स्वीप करेगा पूरे एक चक्कर में, पूरा, है ना, देखो इतने में ये यहां से यहां आते तो इतना एरिया, यहां से यहां आते तो इतना एरिया, यहां से यहां आते तो इतना एरिया, यहां से यहां तक आते तो पूरा, तो पूरे एक चक्कर में पूरा एरिया। और एक चक्कर में बच्चों कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू, टू से काटो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, एक चक्कर में टाइम लगता है बच्चों 365 डेज, 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, बोलो क्लियर है, एक कंप्लीट चक्कर में कितना टाइम लगता है, 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सो एरिया अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहां से यू कैन फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, ये जो भी आंसर होगा दैट विल बी द एरिया इनक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, बोलो क्लियर हुआ एकदम पक्का, रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मास इतना दिया था, तो हमने एल बाई एम लिख लिया, हमसे पूछा एरिया इनक्लोज बाय अर्थ ऑर्बिट, तो अर्थ की ऑर्बिट ये पूरा एरिया इनक्लोज करेगी, हमने यूज किया केपलर सेकंड लॉ, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, हमने एल की बाई एल बाई एम की वैल्यू रखी, टू रखा, फिर हमने कहा एक पूरे चक्कर में पूरी ऑर्बिट का एरिया एरिया, और पूरे चक्कर के लिए टाइम लगा टी, टी की वैल्यू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 हमने पुट किया, और ये क्वेश्चन खलास, क्लियर। चलिए अब इसका हम ओरिजिनल प्रूफ देखते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे अभी तो हमने सर्कुलर से आपको प्रूफ दिखा दिया, अब इसका रियल प्रूफ देखते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट से, केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट से, तो केपलर्स थर्ड लॉ का हम प्रूफ देखने जा रहे हैं। अब मैं लॉ को इस तरह से लिखूंगा, टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये एक्चुअल लॉ था, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस अबाउट सन। चलिए तो यहां पे मान लेते हैं सन है ना, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो आर पे कैसे बोल सकते हो, आर तो चेंज हो रहा है, रेडियस तो है नहीं, मान लो यहां पे सन है और ये अपना प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है मस्त एकदम, चक्कू चक्कू चूरू, चक्कू चक्कू चूरू, ट्यू 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 ट्यू, मान लो यहां प्लैनेट की वेलोसिटी कुछ v1 है, लेट अस से यहां प्लैनेट की वेलोसिटी v1 है, तो प्लैनेट गोल 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 घूम रहा है, हमें इसका प्रूफ चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम यूज करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ, हम केपलर्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ हमसे क्या बोलता है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल बाई टू एम। लेट अस टॉक अबाउट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन,
बच्चों एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एरिया स्वेप्ट कितना होगा? देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एरिया स्वेप्ट पूरा ये एरिया हो जाएगा, जैसा अभी न्यूमेरिकल में हुआ था। एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स, हाँ ना बोलो पक्का? अगर एक कंप्लीट चक्कर घूमते हैं तो एरिया स्वेप्ट विल बी एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स मैंने आपको बताया पाई ए बी। और बच्चों टाइम कितना लगेगा एक चक्कर के लिए? टाइम पीरियड के बराबर। सो वी कैन राइट डीए बाई डी टी की जगह, डीए की जगह पाई ए बी, टाइम की जगह टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू एल बाई टू एम, क्योंकि ये क्वांटिटी तो कॉन्स्टेंट रहनी है, इस क्वांटिटी को फर्क नहीं पड़ना है, यही तो सेकेंड लॉ था, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम विल बी कॉन्स्टेंट। तो हो गया, आज थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन है, ट्राई करिए फिर भी। डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम कॉन्स्टेंट, ये लिख लिया। अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम क्या आप इस जगह पे निकाल सकते हो? बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। इस जगह पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? यहां से ये डिस्टेंस मान लो कितना है आर वन, मास कितना है प्लैनेट का एम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बोलो? आर क्रॉस पी, यानी आर एम वी, आर वन एम वन वी वन। और आपको दिख रहा है एंगल कितना है यहां पे 90 डिग्री, तो आर वन एम वी वन साइन 90, तो ये हमको एंगुलर मोमेंटम भी मिल गया। सो पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर वन एम वी वन अपॉन टू एम, यहां से एम से एम मर गया। अब याद करो ये आर वन भी मैंने आपको निकालना सिखाया है, ये वी वन भी सिखाया है सेकेंड लॉ में। आर वन तो बड़ा आसान है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस कितना है ए ई, ये ए है ये ए ई, तो आर वन हमको मिल गया। आर वन कितना हो जाएगा ए प्लस ए ई, ए इंटू वन प्लस ई, ये सॉल्व लो ए प्लस ए ई, ए इंटू वन प्लस ई। और वी वन मैंने निकालना सिखाया था, वी वन छोटी वाली वेलोसिटी है कि बड़ी वाली है? मेरे ख्याल से छोटी वाली है क्योंकि दूर है तो धीमे। सो अंडर रूट जी एम बाई ए, एम किसका मास? सन का। छोटी है तो ऊपर क्या ले लो 1 माइनस ई, और नीचे क्या ले लो 1 प्लस ई। आप ये वाला पॉइंट भी चूज कर सकते थे, तब आप आर टू चूज करते और वेलोसिटी वी टू, कहीं से कोई भी दो पॉइंट, ये पॉइंट लेना चाहो या ये पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती थी जी एम बाई ए, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो आर वन भी मिल गया, वी वन भी मिल गया, इनको उठा के यहां पर पुट कर दो, कर दिया जाए पाए ए बी बाई टी इज इक्वल्स टू आर वन की जगह ए इंटू वन प्लस ई, और वी वन की जगह अंडर रूट जी एम एस बाई ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। बोलो क्लियर? नोट करें इतना, ये एक्चुअल प्रूफ बता रहा हूं थर्ड लॉ का, वरना सर्कुलर पाथ मान के तो प्रूफ मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो तो बड़ा आसान भी था। ये एक्चुअल प्रूफ थर्ड लॉ का, अज्यूम करके इलेक्ट्रिकल पाथ, नोट कर लिया इतना? ओके। सो हमने यूज क्या किया कंसेप्ट थर्ड लॉ को प्रूफ करने के लिए? सेकेंड लॉ डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, मैंने एक चक्कर की बात की, एक चक्कर में एरिया कितना होता है पूरे एलिप्स का एरिया पाई ए बी, टाइम कितना लगता है कैपिटल टी। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैंने ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बोल लो यहां क्यों लिया, यहां लो यहां लो यहां लो, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट, हमने पढ़ा प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट, तो कोई भी पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, चाहे इस पॉइंट पे लू चाहे यहां लू, तो मुझे ये पॉइंट आसान लिखा, वेलोसिटी v1 मानी, डिस्टेंस r1 माना, यहां से एंगुलर मोमेंटम हो गया m v1 r1 sin 90, ये अपॉन 2m, m से m कट गया। फिर मैंने कहा r1 a plus ae a into 1 plus e, और v1 मैंने बताया था अंडर रूट gms by a, ये छोटी वाली वेलोसिटी तो ऊपर 1 minus e। खैर सो यहां से t को इधर भेजो, t इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, सो पाई, ये ए से ए मर जाएगा क्या, ए से ए मर गया, अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो दिस विल बी पाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, इस तरह का स्क्वेयर करोगे, सो 1 प्लस ई का स्क्वेयर, ठीक है, इसका स्क्वेयर करोगे क्या आएगा,
जी एम एस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई और ए। अब आपको पता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इलिप्स के लिए हमने आपको पढ़ाया था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इस ए को इधर ले आया कितना हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ई का होल स्क्वायर जी एम एस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, एक 1 प्लस ई से एक 1 प्लस ई कैंसिल हो गया। बोलिए क्लियर है? ठीक है, बी स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर इसे एक को भी इधर ले आए। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे बहुत ढेर सारे टर्म्स की यहां फिक्र नहीं है, वैसे भी ये 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ये भी 1 प्लस ई 1 माइनस ई बनेगा, बनेगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ई 1 माइनस ई, तो इससे ये और ये कैंसिल। यहां से देखो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी एम एस, ये बन रहा एक्सप्रेशन। बोलो समझ में आया यहां तक पूरा? पाई ए बी टी, फिर हमने यहां पे बी की वैल्यू रखी, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये 1 प्लस ई का होल स्क्वायर जी एम एस बाई ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, इस 1 प्लस ई से एक 1 प्लस ई कैंसिल, ए को इधर भेजा, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रखा, तो ए स्क्वायर और ये आया ए क्यूब। हाँ भाई, तो यहां 1 प्लस ई 1 माइनस ई, फिर हमने बोला ये 1 प्लस ई 1 माइनस ई कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी एम एस, पाई कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट मास ऑफ सन कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्यों है? क्योंकि एग्जाम एग्जैक्ट है। किताब में आप देखोगे सर्कुलर मोशन मान के प्रूफ करता है, जो कि आपको भी अब पता चल गया गलत है, क्योंकि प्लैनेट की पाथ कैसी है? इलिप्टिकल। तो मैंने इलिप्टिकल माना और मैंने बोला मैं अब आर क्यूब नहीं ए क्यूब प्रूफ करूंगा, विच इज रियल लॉ। फिर मैंने बोला कैसे प्रूफ करूंगा, मैंने कहा सेकंड लॉ यूज करूंगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, डी ए बाई डी टी चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम, कितना भी टाइम ले सकते हैं कितना भी एरिया। मैंने एक चक्कर ले लिया, एक चक्कर में कितना एरिया पूरे इलिप्स का पाई है भी, कितना टाइम टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम पूरी जगह सेम है कहीं का भी यहां का ले लिया। फिर मैंने आर वन और वी वन की वैल्यू रखी, यहां की वी वन की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी अंडर रूट जी एम एस बाई ए, छोटी वैल्यू है तो 1 माइनस ई, इधर का लेते पॉइंट तो अंडर रूट जी एम एस बाई ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और यहां आर क्यूब डिस्टेंस क्या हो जाता हमारा ए माइनस ए ही हो जाता। जैसे भी करोगे यही आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर बी स्क्वायर को हटाने के लिए ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया। तो ये था केपलर्स लॉ का फुल प्रूफ और कंप्लीट कंसेप्ट। तो पढ़ाई करते रहें और ये ग्रेविटेशन का लेक्चर खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।